ज्यादा कंसंट्रेट करें तो आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें बुलाइए, वो आके करें ना आपकी फिल्म को प्रमोट। मैं क्यों करूं, मुझे तो आपने कोई आप पैसे आपने नहीं अभी तक दिए। वजह नहीं बताई इस फिल्म की नाकामी की वजह क्या थी। आई थिंक ये डायरेक्टर बता सकते नहीं डायरेक्टर आपकी नजर में क्या कमी मेरे आई। मेरे नजर में कोई फिल्म बिल्कुल ठीक थी, और अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी है और लोगों ने रिजेक्ट की तो ये डायरेक्टर आपको बेहतर बता सकते, अच्छा मैं लोगों ने आपको आपको बेहतर क्या नहीं बता बताया, सकती। लोगों ने क्या फीडबैक दी इस फिल्म के बारे में कि इस नाकामी की वजह क्या बताई उन्होंने आपको, मुझे अभी जो तक लोगों ने आज बताया। नहीं, मुझे जिन लोगों ने फिल्म देखी है, देखिए जब ये फिल्म लगी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा इंडियन फिल्मों का प्रेशर था और बहुत सी इंडियन फिल्में लग गई थी जिसमें बीच में जाके ये फिल्म लगी थी कभी प्यार ना करना, और फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी गई फिल्म इनफैक्ट। फिल्म डेड फ्लॉप है, कैसे कही नहीं, बोल सकती आपके आप। पास गलत रिपोर्ट आई है, और मेरे फिल्म पास बिल्कुल जितनी ठीक भी रिपोर्ट चली है, है फिल्म बहुत अच्छी चली है। एक बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं काफ़ी, उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि उनकी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी और है भी, ऐसी कोई बात नहीं है, और दोस्ती की वजह ये भी थी कि हमने शायद काम इकट्ठे किया आपने था। मेरे फोरम में कहा था कि ये मेरे मंगेतर हैं और हम शादी कर रहे हैं, फैमिली, ये सच है कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया, सच उस वक्त आपने मैंने ये बात कही आपकी मंगनी हो चुकी थी, आपने मिठाई भी मुझे खिलाई थी, आपको याद होगा मैं कार मिठाई साथ लेकर आया था, थी। तो आपकी तब मंगनी हो चुकी तो थी। ये कौन सा, मैंने कोई गुनाह कर दिया? नहीं मैंने नहीं कहा मैं गुनाह किया, नहीं, मुझे पता है गुनाह होता नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं किया। लड़की जात है तो कभी ना कभी तो होगा ना। मुझे यानी कि आपकी प्रपोजल मंगनी हो चुकी थी, शादी जो है वो अभी होना बाकी जी, है, मंगनी हो चुकी थी बिल्कुल। मंगनी हो चुकी थी और शादी होना बाकी थी, देखिए अब शादी का क्या बनता आप अभी वो मंगनी कायम है कि ये खत्म हो गई है। है। वल अभी अल्लाह का शुक्र है हालात बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने ये बात उड़ाई है कि जी आपस में कुछ क्लैशेस हैं। देखिए जब आपका पर्सनल किसी के साथ कोई मसला खराब हो तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं, हम कैसे होते हैं, मतलब आप खुद होते हैं, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती या कोई और नहीं हो सकता। बेटर कि आप अपने मसले को खुद हल करें, ना कि उसको आप अखबारों की जीनत बनाएं या कैमरे के आगे बैठ के जी मेरे साथ तो ये हो गया जी, बड़ी ज्यादती है। यू शुड हैंडल योर सेल्फ। कब से आपका अफेयर चल रहा है उनके साथ। अफेयर नहीं कह सकते कौन सी मैं अफेयर फिर हुआ वही उसके बाद बात मंगनी करूंगी, हुई, मैं फिर वही बात करूंगी, अफेयर नहीं कह सकते, दोस्ती कह लेते हैं। दोस्ती कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले तीन तीन चार साल काफ़ी काम किया इकट्ठे, और लोगों को कंफर्म हो गया कि जी दे आर गोइंग आउट टुगेदर, जबकि ये सच नहीं था, तब तक ये सच नहीं था। लेकिन उनकी फैमिली स्पेशली जो मिताल हैं उन्होंने प्रपोज किया था, और उनको मैंने गो अहेड इसलिए फ़ौरन नहीं दिया बिकॉज मुझे काम करना था, ओके और वो भी बहुत बिजी है, वो भी काम करना मंगनी कब चाहते फिर हैं। आपकी हुई। मंगनी हमारी उसी वक्त हुई है। नहीं आपने कहा तब, आपने कहा था कि मैंने अभी रेडी नहीं हूँ मंगनी के लिए, अभी आप कह रहे हैं तब मंगनी आपकी हो गई थी। देखिए हम काम करने के बाद जब उन हमारी मंगनी हुई थी उसके बाद उन्होंने स्पेशल प्रपोज कि जहाँ दोस्ती होती है अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ कभी कभी हो जाते हैं मसले मसाइल, लेकिन हमारे मसले मसाइल कुछ ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही बैठ के मैं यहाँ बैठ के उनके खिलाफ बुराई शुरू कर दूँ। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, सुनने में ये भी है कि कल उनकी उनके साथ मेरा कुछ नहीं होता, दैट डजंट मैटर, सुनने में ये गॉड भी इज है, देयर। सुनने में ये है कि उनकी एक सियासी फैमिली से ताल्लुक है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो किसी शोबे से खतरे से शादी कर लें। सियासी फैमिली से ताल्लुक होते हैं तो क्या उनके क्या कोई पर निकल आए हैं ऐसे, ये तो कोई बात नहीं होगी। दुनिया में बड़े जब बड़े आपने अच्छी अच्छी मंगनी की, फैमिलीज होती हैं। आपकी और उनकी फैमिली की रजामंदी से मंगनी हुई थी आपकी। देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, नहीं आपने बताया मेरी तो मंगनी, फैमिली को मालूम है इस बात का, और कंसिडर वो करेंगे तो कोई आगे बात चलेगी, ये मेरा एक पर्सनल मसला है, मैं नहीं चाहूंगी कि यानी मैं कि इसको इसको डिस्कस करूँ। आपका कहना यह है कि उनकी फैमिली को नहीं पता, अपनी फैमिली को पता कि आपकी मंगनी हो गई है। देखिए बात ये कि ये तो आप उन्हें बुलाइए, वही आपको बताएंगे ना बेहतर, नहीं मेरी तरफ अभी से जो बात आप मुझसे पूछेंगे वो मैं आपको वो बताऊंगी, क्यों आप नहीं डिस्क्लोज करूँ, बताएंगी कि हकीकत क्या है। मैं क्यों डिस्क्लोज करूँ अपनी पर्सनल, मेरी लाइफ है, मैं तो नहीं कभी चाहूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो जदे जुबान बने, आप अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना बिल्कुल चाहते। नहीं चाहूंगी, अच्छा ये भी मैं तो सुनने में किसी को आया है कि अलाउ जो करूंगी आपके नहीं। देवदास के प्रोड्यूसर हैं उनकी आपकी दोस्ती भी आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजह बनी। नहीं ये तो बहुत ही फजूल, बहुत ही पॉइंटलेस इशू है, ये तो बहुत ही पॉइंटलेस बात कम हो जाएगा तो बेहतर चंद है नाम ले इसको, लें, बेहतर है आप इसको यहीं रहने चंद नाम दीजिए। ले लें आप बहुत सी नई लड़कियां हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, जिनके नाम खावर लगे। के ऑफिस में, खावर भाई के ऑफिस में आके उनकी एक पहली स्टेटमेंट ये होती थी कि जी इस आप ऑफिस में एंट्री दे तो ज़ारा शेख की पिक्चर्स हैं,
आप सोफे पे बैठे हो, ज़ारा शेख का सामने एक तस्वीर लगी हुई है, खावर भाई से बात करें तो ज़ारा शेख, उनके टीम से बात करें तो ज़ारा का शूट वहाँ हो रहा है। मुझे पता चलता था ये बातें, मुझे तकलीफ होती है कि जब आप किसी के काम में इंटरफेयर ना करें तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये ग्रुप बंदी नहीं, ये एक लानत है मेरी नज़र में, ये एक ऐसी बीमारी और लानत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और इसकी वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो गए। आपकी फैशन इंडस्ट्री आगे जाने की बजाय अभी तक वहीं खड़ी है, पता नहीं कहाँ तरक्की हो रही मुझे नज़र नहीं आती, और इसी ग्रुप बंदी की वजह से आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई। तो ग्रुप बंदियां तो वहां बनाए ना जहां या तो काम बहुत आप लोगों का पूरी दुनिया वाह-वाह कर रही कि जी क्या बात है जी पाकिस्तान के आर्टिस्ट और क्या उनकी फिल्में हैं, क्या मानती हैं आप लोग, वहां ग्रुप बंदियां बनाए ना, वहां आपको मजा तो आया ग्रुप बंदी। कहना यह है कि आपके इर्द गिर्द के फैशन के लोगों का कहना यह है कि अगर खावर और ज़ारा फिर एक हो जाए तो फिर दोनों बुलंदियों पे चले जाएंगे। बुलंदी पे एक बात याद रखिएगा, बुलंदी पे हमेशा अल्लाह ताला लेके जाता है, कोई इंसान लेके नहीं जाता। पहले तो आप ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला जो वसीला इंसान का बनाता है, इंसान को उस वसीले की इज्जत करनी पड़ती है। कोई भी इंसान चूंकि इंसान है तो ऑफ कोर्स हम लोग कदम कदम पे गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमेशा एक बात, एक कोना ऐसा रखना चाहिए जहाँ से बचने की उम्मीद हो। मेरे दिल में खावर भाई के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बुराई का इतना सा भी कोई बात नहीं है। मैं जहाँ पे ज़ारा शेख को देखना चाहता था, जो मेरी ख्वाहिश थी, उसने कहाँ देखना तोड़ दिए, कहाँ देखना चाहते तोड़ दिए। मैं चाह रहा था कि एक मिनट, कहाँ वो मुझे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर देखना चाहते थे, कहाँ देखना चाहते थे? उनका ये कहना था कि मैं उनसे कभी बिठा के पूछे कि कहाँ, आखिर वो लिमिट बताए, वो जगह बताए कि आप देखना, क्या आप मीनारे पाकिस्तान के ऊपर देखना चाहते? हमने एक अच्छा टाइम देखा है, और मैं कम से कम अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात वो इतनी बढ़ के कोई इतना वो हो जाए कि जी बिल्कुल ही खून के प्यासे बन के बैठ गए। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास दोनों, अल्लाह खैर ही करे, बार बार ये पूछना है कि आउट ऑफ प्लेनेट होते कहाँ चले जाते, इसी दुनिया में होते, पाकिस्तान में ही होते, फैशन इंडस्ट्री में ही होते, और अभी तक मैं मॉडलिंग ही कर रही, बिल्कुल। और हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, आप यकीन जानिए कि हमारी, अभी मैं आपको वही बात, आपने मुझे कही कि जी 40 लाख रुपया फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से आ गया, अरे ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इतने मुआवजे बढ़ रहे हैं। अब कम से कम लोग हमारी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और जो कि आने चाहिए। आई थिंक मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग कंसिडर कीजिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स, स्पेशली उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को कंसिडर कीजिए जिनसे हमारी इंडस्ट्री के हालात बेहतर हो सके, और लोग जिन्हें यहाँ मुआवजे की किसी को तकलीफ है तो किसी को काम की तकलीफ है, तो किसी को कहते हैं जी लोग हमें तो यहाँ जी वो इज्जत नहीं मिलती तो हम कहीं और चले जाएं, तो फिर अगर आपको यहाँ इज्जत नहीं मिल रही है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको दुनिया में कहीं और इज्जत मिलेगी। ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप मुझसे पैसे लें और फिल्म प्रोड्यूस करें, जिनमें उन्होंने नाम भी मेंशन किए, एक उन्होंने नाम